वेलकम बैक टू YSC एकेडमी। दोस्तों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये आ चुकी है कि जो भी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, चाहे वो SOL, NCVAB या रेगुलर हैं, आप लोगों के लिए डेट शीट आ चुकी है। आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो जुलाई के महीने में शुरू हो जाएंगे, और डेट शीट को कैसे डाउनलोड करना है, किस वेबसाइट से डाउनलोड करना है, वो आपको मैं इसके अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ। हम सबसे पहले गूगल पर सर्च करते हैं exam.du.ac.in। इतना सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से जो पहला लिंक आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इस तरीके से एग्जामिनेशन विंग आपके सामने खुल के आ जाएगी। जब ये एग्जामिनेशन विंग आपके सामने खुलेगी तो आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, और जूम आउट करने के बाद लेफ्ट साइड में आपको होम, एक्स्ट्रा स्कीम, नोटिफिकेशन, डेट शीट, इवैल्यूएशन रिजल्ट, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको क्लिक करना है डेट शीट वाले ऑप्शन पर। मैं डेट शीट पर क्लिक करूंगा तो इसके सामने यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट शीट बिल्कुल सेंटर में दिखाई देंगी, और यहाँ पे देखो आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये जो डेट शीट है ये टेंटेटिव है, यानी कि इसके अंदर जो चेंज होगा वो थोड़ा बहुत हो सकता है बाद में, अदरवाइज देखो ज़्यादातर कभी भी डेट शीट के अंदर चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। टेंटेटिव का मतलब यही है कि अगर कोई क्रॉस सेक्शन में कोई क्रॉस एग्जामिनेशन पड़ गया उसी सिमिलर डेट पर, तो थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ जाता है किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिगार्डिंग, तो उसी से रिलेटेड होता है, बट ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता। ऑलमोस्ट जो आपकी डेट शीट ये आई हुई है, ठीक है, 95% से ज़्यादा चांसेस यही रहते हैं कि सेम ही रहती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं डेट शीट क्या है। यहाँ पे देखो सिंपल लिखा हुआ है कि जो UG स्टूडेंट है, अंडर ग्रेजुएशन वाले, उन बच्चों के लिए यहाँ पे नीचे डेट शीट लिखी हुई है। और ये जो डेट शीट है, ये डेट शीट सिर्फ और सिर्फ 2022 यानी सेमेस्टर 2 के लिए है। कुल मिला के बात ये हो रही है, जिन बच्चों ने 2022 में क्या कहते हैं एडमिशन लिया था, उनका भी सेमेस्टर 2 का जो एग्ज़ाम होगा, तो उन बच्चों के लिए डेट शीट आई है। मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑनर्स वाले प्रोग्राम वाले सभी बच्चों के लिए है, BA है, BCOM है, या जो BSc वाले स्टूडेंट हैं उन सबके लिए डेट शीट आ चुकी है। पहला मैं अगर यहाँ पे लिंक ओपन करके दिखाऊं तो देखो उस पे लिखा बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स रेगुलर एंड SOL। सेकंड वाले पे है बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये BA प्रोग्राम है जिसमें रेगुलर और NCVAB, ठीक है। और ये तीसरा बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी BA प्रोग्राम SOL, तो मैं SOL की ओपन कर देता हूँ। तो SOL की ओपन करने के बाद आप देखोगे डेट शीट ओपन हो चुकी है। डेट शीट ओपन होने के बाद सबसे पहले आप डेट पे नज़र मार लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई को आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, और कई सारे डेट शीट के अंदर ही अलग अलग जो स्ट्रीम या प्रोग्राम की डेट शीट है उसमें कोई 17 जुलाई से स्टार्ट है, 18 जुलाई से स्टार्ट है, यानी कि जुलाई के मिड के बाद आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे और ये अगस्त तक चलेंगे, ठीक है। लास्ट में अगर आपको दिखा दूँ तो ये 12 अगस्त लास्ट एग्जाम है, तो अगस्त तक आपके एग्जाम चलेंगे, मिड जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, मिड अगस्त तक चलेंगे। 1 मंथ तक आपके एग्जाम की ड्यूरेशन होगी, और किस दिन पर्टिकुलरली आपका एग्जाम होगा ये बिल्कुल कंफर्म होकर आता है आपके एडमिट कार्ड पर। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से जस्ट 1 हफ्ते पहले आएगा, उससे पहले एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अभी आप जून स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, आपके पास 1 से 1.5 महीना है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो वो एग्जाम की प्रिपरेशन आप शुरू कर दो, ठीक है। कोई भी आप स्ट्रीम की डेट शीट डाउनलोड करोगे तो आपको मिल जाएगी। मैं कोई भी है NCVAB उनके लिए है, तो यहाँ पे देखो 18 जुलाई से स्टार्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, डेट शीट को देखने के बाद आपका एक डाउट ये भी निकल के आ सकता है कि सर मेरे तो दो दो एग्ज़ाम एक ही दिन पढ़ रहे हैं, है ना, या फिर दो, या इस तरीके से होता है कि दो डेज पे सेम एग्ज़ाम है। मतलब आप देखोगे तो 23 तारीख को भी पॉलिटिकल लिखा हुआ है, और 24 को भी पॉलिटिकल लिखा हुआ है, या 27 को भी पॉलिटिकल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बस क्या होता है सब्जेक्ट कोड वाला होता है यहाँ पे, और ये मतलब सब बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो आपको क्या करना है, अपने एडमिट कार्ड को फॉलो करना है। डेट शीट से बस एक आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई मिड जुलाई से हमारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं और उससे पहले हमें प्रिपरेशन करनी है, दैट्स इट। किस पर्टिकुलर डेट पे कंफर्म आपका एग्जाम होगा वो एडमिट कार्ड से ही पता चलता है, उससे पहले पता नहीं चल सकता, ठीक है। तो आप एडमिट कार्ड का वेट कीजिए। एग्जाम यानी कि अगर आपका एग्जाम मान लीजिए 18 जुलाई को है, तो जस्ट 1 हफ्ते पहले 12 जुलाई के आसपास ही, 12 जुलाई या 10 जुलाई के बाद ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलेगा। अगर आपका एग्जाम 24 जुलाई को है या 28 जुलाई को है, तो कहने का तो 18 या 20 तारीख के बाद ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो जब भी आपका पहला एग्जाम है, जस्ट उसके 1 हफ्ते पहले ही एडमिट कार्ड रिलीज होना शुरू होते हैं, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले, तभी वो आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।